हेलो दोस्तों, बेसिक नॉलेज चैनल में आज सब फिर से आपका एक और हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने इतने सारे वीडियो देखे हमें, उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं आपको विंडो 11 में, आपको आज की डेट में विंडो 11 में अगर डेस्कटॉप के आइकन की या डिस्प्ले की सेटिंग चेंज हो जाती है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। उसके लिए आप देख सकते हैं, ये अब विंडो 10 है। आपको पहले विंडो 10 देखने के लिए कमाई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए और आपको ये अभी दिखा देगा, ये विंडो 10 है। ये अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये आपको विंडो 10 दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके आइकन की सेटिंग चेंज हो गई। जैसे कि किसी ने डिस्प्ले में सेटिंग चेंज कैसे होती है ये आपको ठीक करनी है। जैसे अभी आइकन सारे सही आ रहे हैं, अब किसी ने, आप किसी के कंप्यूटर मान लो आइकन गड़बड़ आ रहे हो, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा हो, तो कुछ लोग पूछते हैं ये आइकन कैसे सेट होंगे। अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आइकन काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, एकदम बिखरे बिखरे से आ रहे हैं या बड़े बड़े आ रहे हैं, और स्क्रीन बड़ी छोटी लग रही है। इसको ठीक करने के लिए आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद इसमें ऑप्शन है, सबसे पहले वाला स्केल और लेआउट, स्केल और लेआउट, इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें टेक्स्ट की साइज, ऐप और अदर आइटम की डिटेल का 25% हो सकता है, किसी किसी कंप्यूटर में 150 हो सकता है, किसी किसी में 200 हो सकता है। आप उसको हमेशा 100 सेलेक्ट कर लेंगे। 100 सेलेक्ट करते ही आपको अपने डेस्कटॉप पे आइकन एकदम बराबर सही साइज में दिखने लग जाएंगे। उसको आप बाई नेम से आप उसकी सेटिंग को सही कर लेंगे। एक तरीका तो था, जो आपके आइकन और उसकी साइज और लिखने के तरीके बड़े बड़े आ रहे थे, उसको आपने सही किया है। दूसरा तरीका है, आपकी स्क्रीन अगर साइड से कट रही है, इधर से उधर से, लेफ्ट साइड से, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप इसमें डिस्प्ले और रेजुलेशंस बोलते हैं, जो रेजुलेशन मतलब पिक्सल की इंटेंसिटी सेट होती है, जो आपको दिखाने के तरीके दिखाते हैं। जैसे कि आपने 32 इंची का एलईडी, 64, 42, 43 इंची का एलईडी, ऐसे टीवी देखे होंगे, तो उसकी स्क्रीन में साइज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होता है। जैसे एलईडी आप अपने कंप्यूटर में लाते हैं 19 इंची की, 18 इंची की, तो उसके अकॉर्डिंग सबकी साइज में डिस्प्ले अलग अलग तय होता है, वो ग्राफिक्स कार्ड के द्वारा तय होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे देखो 800x600 सेलेक्ट कर लिया, कीप चेंज कर लिया, तो आपको देखो, आपको इतनी छोटी सी स्क्रीन दिखने लग गई, बाकी स्क्रीन कट गई, कंप्यूटर में आई नहीं रही है। अब उसको सही करना है, तो मुझे यहाँ पे जाके, यहीं पे अगर आपकी स्क्रीन कट रही है तो आप यहाँ पे जाके, जैसे कि मैं लेता हूँ अभी 1280x720, तो आप देखेंगे अभी कीप चेंज कर लिया, तो भी आपको अब लगेगा कि अभी मेरी स्क्रीन अभी बड़े बड़े अक्षर आ रहे हैं, मुझे सेट नहीं लग रही है। तो आप इसके आइकन की सेटिंग आप अपने खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बेस्ट फिट लगेगा आपको, तो आपको आइकन, उसकी साइज, उसके जो फॉन्ट, वो आपको सब सही लगने लग जाएंगे। तब आप समझ जाएंगे मेरी जो डिस्प्ले की स्क्रीन है, उसके फॉन्ट है, वो सही सही हो गए हैं और वो सही मैंने कर दिए हैं। आप अपने लेवल पे कंप्यूटर या लैपटॉप के डिस्प्ले की सेटिंग विंडो 10 में राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में जाके, दो तरीके हैं जो पहले दिए हुए हैं, जो आप कर सकते हैं, इसको 100, ठीक है, अगर आपको बड़ा देखने की इच्छा है तो 125, और इसको रेजुलेशन आपका अगर फिट नहीं कर रहा है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। ऐसे आपको कंप्यूटर चालू करते ही डिस्प्ले रेजुलेशन स्क्रीन दिखा देगा। तीसरा है ओरिएंटर, ओरिएंटेशन मतलब कि आपको देखने का तरीका, आप आड़ा देखते हैं या सीधा देखते हैं। जैसे कि आप कभी प्रिंट आउट लाते होंगे, A4 साइज में सीधा आता होगा, आजकल एक हाफ पेज में आता आड़ा भी, तो अगर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए अभी सीधा हो गया, अपने को कंप्यूटर में हमेशा अपनी स्क्रीन आड़े मोड में आती है, तो अपन आड़े मोड में ही देखते हैं, इसलिए इसको कभी नहीं छेड़ना है आपको, ये लैंडस्केप में ही रखना है, ठीक है ना। तो इसमें चार ऑप्शन है, लैंडस्केप, फ्लिप, वो अपने अकॉर्डिंग वो फ्लिप कर लेता है स्क्रीन को, जैसे कि फ्लिप किया तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग साइज में सेट कर लेगा, ठीक है, नहीं तो अपने को तो हमेशा लैंडस्केप मोड में ही रखना है। तीन सेटिंग दे रखी है डिस्प्ले बटन में, राइट क्लिक करके डिस्प्ले बटन सेटिंग, कंप्यूटर में सेटिंग बटन से भी जा सकते हैं, ये स्केल और लेआउट, डिस्प्ले रेजुलेशन और ये ओरिएंटेशन, आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर आपकी स्क्रीन में अगर यहाँ रेजुलेशन नहीं बढ़ रहा है, एक ही साइज दे रखी है, जैसे कि ये 800x600, तो आप समझ लेना आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं हैं, आपको ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल्ड करने पड़ेंगे।
आप कर सकते हैं ऑनलाइन डाउनलोड करके विंडो के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स ड्राइवर्स, या फिर आप है ना कंप्यूटर वाले को बोल के उसको बोल सकते हैं भैया मेरे एलईडी स्क्रीन में ग्राफिक्स ड्राइवर्स नहीं है, वो डालने के लिए सीपीयू में आके एक प्रोग्राम के थ्रू वो इंस्टॉल्ड कर देगा, उसके थ्रू आपके स्क्रीन की सेटिंग सही हो सकती है। काफ़ी जने मुझे बोलते हैं मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे स्क्रीन में ऑप्शन ही नहीं आता है अलग अलग, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स की डिस्प्ले, जैसे कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पे दे रखा है ग्राफिक सेटिंग, तो ग्राफिक सेटिंग का ऑप्शन होगा, ग्राफिक सेटिंग के लिए ग्राफिक्स ड्राइवर्स आते हैं, और कुछ कुछ कंप्यूटर में अगर कुछ बच्चे गेम खेलते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड भी आता है जो अच्छे 3D और 4D जैसे भी जैसे कि ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। अपने को तो सिर्फ ग्राफिक्स के ड्राइवर चाहिए, वो आप इंस्टॉल्ड करवा लें। तो आपको अभी आपको विंडो 10 में डिस्प्ले की स्क्रीन कैसे सेट करना है आपने सीख लिया होगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में मेरे को लिख दें, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। दोस्तों आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू, मेरा ये वीडियो चलता रहे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेसिक नॉलेज को। धन्यवाद।